हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्यू आदर ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे तो मतलब मेरा जो ब्लॉग होता है वो या तो घूमने कहीं मैं जाती हूँ तभी मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, तो फिर कोई फेस्टिवल या कोई पूजा पाठ या फिर रेसिपी का भी वीडियो मैं डालती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज ना डेली ब्लॉग थोड़ा शूट किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से कोई भी अच्छा वीडियो मैंने अपने चैनल पे नहीं डाला है। और कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे और कम होते जा रहा है, क्योंकि वीडियोस नहीं डालने पे हो जाता है। और यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है। और एक साल होने वाले मेरे चैनल को और चैनल स्टेटस वाला ही ख़राब हो गया है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के आने के कारण मैं गांव चले गए थे और वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गांव में क्या कहते हैं टाइम और बहुत सारे काम हो जाते हैं और फैमिली टाइम हो जाता है। सो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम गांव में इंटरनेट की हो जाती है, कि हम इंटरनेट बहुत स्लो होता है और नेटवर्क स्लो होता है। सो वीडियो बनाओ फिर वीडियो अपलोड ना करो तो कोई मतलब नहीं, ब्लॉग्स नहीं कर रही थी। और फिर एक गांव का मैंने अपना ब्लॉग बनाया था और छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि बहुत दिनों बाद गर्मी की छुट्टी में मैं अपने जो दादी घर गया है वहाँ गए थे और फिर वहाँ पर ब्लॉग बनाए थे। और बचपन याद आ रहा था, क्योंकि बचपन में जब हम गर्मी की छुट्टी में अपने दादी घर जाती थी तो बहुत मस्ती करते थे, तो बहुत याद आ रहा था, क्योंकि बचपन तो वैसे बहुत प्यार होता है, बहुत ही प्यारा होता है हमारा बचपन, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम और शादी बार लाइफ बहुत ही बेकार हो जाता है। और अभी बज रहे सुबह के 10, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो बिल्कुल ही जो हमारा दिन है वो बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। हम रात को सोने 10 बजे जो सोना होता है वो हम 12-1-2 बजे सोते हैं, फिर 7-8 बजे उठते हैं। ब्रेकफास्ट जो हम 8 बजे करते हैं वो ब्रेकफास्ट हम 11 बजे तक भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल चलता है। तो भी मैं नहा कर आई हूँ और क्या बोलते हैं, बालों में तेल तो नहीं लगाया मैंने, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक तेल का रिव्यू किया था कि वो तेल बहुत अच्छा है। और उस तेल को मैं नवम्बर से यूज करते आ रही हूँ, 6-7 महीने हो गए, वो तेल बहुत अच्छा है। उस तेल का एक बार और मैं वीडियो बना के डालूँगी और उसे कैसे लगाना है तो कैसे मैं फ़ायदा करेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि तेल लगाने का सही तरीका लोगों को पता नहीं होता है। तो तेल हमें कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है कि हमारा जो हेयर है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो अभी सुबह के बजे 10, तो अभी सबसे पहले अभी जो कोरोना चल रहा है हमारा, ये महामारी बहुत बड़ा महामारी, और हर एक 100 वर्ष के बाद एक महामारी तो आती ही है। और ये हर एक की जनरेशन में महामारी आती है, क्योंकि हमारी जो मम्मी है, हमारी जो दादी है, उन्होंने बताती है कि हमारे टाइम में महामारी आया था और उस महामारी की अलग अलग स्टोरी है। तो ये महामारी तो हम लोगों ने देखी है और कुछ हमारे जनरेशन के भी बच्चों ने भी देखा है, सब कुछ बच्चों को भी याद रहेगा, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, अच्छा हुआ कि भी मेरे बच्चे नहीं हैं, झेला पड़ता है, घर में रहना होता है और इतना बोल, इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। और बात को थोड़ा कम करना चाहिए। और सबसे पहले सुबह सुबह गिलोय का जूस, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और इसमें सिर्फ गिलोय ही नहीं है, नीम है, तुलसी है, गेहूँ, ज्वार, काली मिर्च, हल्दी और पपीते के पत्तों के भरपूर रस से युक्त ये, तो ये हमें रेगुलर लेना चाहिए। और जब अगर किसी को डेंगू होता है ना, तो डेंगू में लोग इसे रेगुलर लेते हैं और डेंगू में ये 100% हमें फ़ायदा करता है। क्योंकि मेरे पिछले साल ही मेरे 2 भाइयों को डेंगू हो गया था और यही गिलोय का जूस बहुत फ़ायदा करता है, गिलोय का जूस और केले, क्योंकि
डेंगू में घरेलू नुस्खे ही बहुत काम आते हैं और बहुत फ़ायदा करता है, तो इसे पीते हैं। इसके लिए एक है पानी, पानी में ज़्यादा लेना नहीं है, मतलब एक तो पानी लेना और 2 से 3 ml मतलब एक या 2 कप वाटर में डालना है और इसे पीना है। और ये बहुत कड़वा भी होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक ही कप काफ़ी है क्योंकि रेगुलर पीना होता है ना, तो एक कप काफ़ी होता है। और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बस इतना काफ़ी होता है। और क्या करना, इसे पी लेते हैं क्योंकि बहुत ही कड़वा है। जीना है तो पीना ही पड़ेगा। और ये जो 2020 है सबसे खराब साल है ये सबकी जिंदगी का, क्योंकि इतने बुरे हालात लोगों को देखने पड़ रहे हैं। और इस साल बस हमें अपना जान बचाना है, अगर इस साल हम बच जाते तो और भी आगे 2021 2022 देखने को मिलेगा। और हम अभी यंग है तो फिर हम बूढ़े होंगे, वो सब कुछ भी इंजॉय करने मिलेगा, तो कैसे हमें अपने जान को बचाना है वो सब तो खुद ही सोचना पड़ेगा। और फिर हमें आगे अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाना, तो ब्रेकफास्ट में कुछ शॉर्टकट टाइप कुछ यम्मी भी होना चाहिए, शॉर्टकट भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। तो बनाते हैं चलते क्या क्या बना सकते हैं किचन में क्या क्या है। तो अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना, तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाने का है मेरे को, ये मूंग दाल है स्प्राउट्स इसे कहते हैं, अंकुरित मूंग। ये पूरी तरह से अंकुरित तो नहीं है, ये मतलब पूरी तरह से ये सूख हो चुका है, मतलब ये फूल चुका है पूरी तरह से। तो इसको हम हल्का प्याज डालकर इसे थोड़ा तेल डालकर इसे करेंगे फ्राई, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर चना है तो चना को भी कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा धो लेते हैं क्योंकि गंदा भी हो गया होगा ये थोड़ा, क्योंकि इसे धोल कर ही मैंने रखा था, बट इसे फिर से धो लेते हैं। तीन प्याज और 4-5-6 हरा मिर्च इसको चॉप कर लेंगे, बस और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। चॉकलेट बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के पास
तेल डाल रही हूँ। जीरा अच्छे से पक चुके हैं, तो इसमें ये प्याज और गरम मिर्च डालेंगे। इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि रेड चिली पाउडर, सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, तो और थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। बट ब्रेकफास्ट में ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता, और इसलिए इसमें कम मसाला डाल के ही बनाए, अच्छा बनेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ब्लैक पेपर का टेस्ट अच्छा आता है, ब्लैक पेपर हल्का डालें, और के साथ मैं बनाऊंगी ग्रीन टी। एक तरह से काढ़ा जैसा होता है, तुलसी वाला ग्रीन टी, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता भी है। और जैसे कि हमें गर्म पानी अभी पीना चाहिए, तो गर्म पानी पीने के साथ साथ ग्रीन टी भी पी लेना चाहिए, तो ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी बहुत ही अच्छा है, और ये सभी को ग्रीन टी भी पीना चाहिए। तो ये साउथ हो गया मैं रेडी, जल्दी से ग्रीन टी भी बना लेते हैं। तो ग्रीन टी भी बनाई, तो ये पैन में पानी, तो ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी, इसको ज़्यादा डालना नहीं होता है, बस थोड़ा ही डालना होता है। टेस्ट के लिए इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, तो बदाम चीनी भी पी सकते हैं, तो थोड़ा चीनी भी डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार ही चीनी डालें, वरना ना डालें। और इसे खोलने देंगे 5 मिनट तक, ज़्यादा इसको खोलना नहीं है। स्कॉच भी रेडी हो गया, तो उसको बर्तन में निकाल लेते हैं।
हमारा ग्रीन टी रेडी हो गया है, तो अब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और ग्रीन टी और ये पैफी से पैफी कहते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, मेरा फेवरेट है। और मीठा तो बिना मीठा के तो दिन और रात भी नहीं रह जाता। और ये मूंग दाल स्प्राउट, फिर अब चलो तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपके साथ मैं अपनी लंच का ब्लॉग भी मैं शेयर करूँगी, लंच में मैं क्या बना रही हूँ। तो कल था एकादशी, आज है द्वादशी, तो द्वादशी को चावल बनाते हैं और आज गुरुवार है तो गुरुवार को कढ़ी बनाते हैं, तो चावल और कढ़ी बनाएंगे और बिहारी स्टाइल में। तो चावल और कढ़ी का ब्लॉग देखने के लिए आप लोग को साथ में बने रहना होगा। तो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और उसके बाद ब्रेकफास्ट बाद क्या करते हैं, लंच करते हैं। और अभी 1 बजने वाला है तो फिर लंच बनाना। तो लंच में कल एकादशी था, मैंने बताया पहले कि कल एकादशी था, आज द्वादशी है, द्वादशी को चावल खाना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं चावल खाए हुए, बहुत ही नहीं है, मुझे पहले ही तो खाए। तो चावल और कढ़ी, गर्मी में कढ़ी खाना अच्छा लगता है। और कढ़ी हम जैसे कि बेसन से भी बना सकते हैं और दाल पीस कर भी बनाते हैं। तो जब बेसन से बनाते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब दाल को पीस कर बनाते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मतलब कि दाल को पीस कर बनाते हैं तो देसी कढ़ी बनता है। और हमारे घर में तो दाल को पीस कर ही बनाते हैं और फिर उसका पकौड़ा भी बनाते हैं। ये दाल है जिसको मैंने सुबह ही पानी में डाला था फूलने के लिए और ये फूल मिल चुका है। तो अब हम इसे पीसेंगे, धोकर पीसें, ऐसे नहीं पीसना। और पीसने के बाद इसमें क्या क्या करेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दाल पीस चुकी है, उसके बाद इसमें क्या क्या डालेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है। तो प्याज चॉप करके मैंने पहले से रखना है, उसमें दाल को डालना है। ये दाल है और इसमें मैंने ये प्याज चॉप करके इसे मिलाना है और ज़्यादा मसाले इसमें डालने नहीं है। हल्दी और नमक, नमक टेस्ट अनुसार। कि आप अपनी मर्जी से और भी मसाले डाल सकते हैं। और ये ब्लैक पेपर, और इसे मिलाना है, फिर इसके पकौड़े बनाने हैं। कढ़ी बिना पकौड़े के अच्छे नहीं लगते। गरम हो रही है और इसमें हम डालेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम
चावल और आलू का भुजिया, वो हमारे बिहार की फेमस है, मतलब कढ़ी चावल के साथ आलू की भुजिया या फिर आलू का चटनी बनाते, तो आलू का भुजिया बनाएंगे। और आलू का भुजिया बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, तेल तो इसमें है ही है, और भुजिया डालेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल ही सिंपल आलू का भुजिया बनता है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते। और ये हमारा पक चुका है, अब हम इसे खाएंगे। और जब भुजिया हमारा रेडी हो जाएगा फिर इसी कढ़ाई में तेल भी रेडी कर लेना, और उसके बाद हमारा दम से ज़्यादा रेडी, और ये भुजिया तब तक रेडी होता तब तक चावल ही बना लेते हैं। ये बेसन जिसके पकौड़े हमने बनाए थे, तो ये इतना हमारे पास बच गया था, और उसके बाद ये दही है और इसे मिलाएंगे। जीरा भी पक गया है तो फिर अब इसमें हरा मिर्च डाल दे, चाहो इसे नए मैंने डाल सकती है, फिर ऐसे ही डाल सकते हैं। और फिर ये कड़ी पत्ता, मसाले में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और इसमें पानी डालेंगे। और ये मिक्सी में जो लगा था उसमें पानी रखी है, तो वो है ये बिल्कुल रेडी हो गया करी के लिए। और इसका डाल देंगे